आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें बताना है कि इंडिया की सबसे बड़े साइज की लार्जेस्ट एंडेंजर्ड बर्ड कौन सी है। तो यहाँ पर अगर अपने ऑप्शंस को देखें, पहला हमें दिया हुआ है वल्चर, जो इंडियन वल्चर होता है। इसका अगर साइंटिफिक नेम हम देखते हैं तो जिप्स जीनस में जिप्स इंडिकस नाम की हमारे पास स्पीशीज होती है, और इनको आजकल हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में डालते हैं। इसके बाद हमें फ्लेमिंगो दिया हुआ है। फ्लेमिंगो एक तरह की वेडिंग बर्ड होती है। इंडिया में इसकी स्पीशीज हमें मिल जाती है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन को कोई खास थ्रेट है नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो हमें दिया है, अगेन इनको भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड माना गया था, क्योंकि जनरली ये ग्रासलैंड्स में रहने वाले टेरेस्ट्रियल बर्ड्स होते हैं और हैबिटेट लॉस की वजह से इनकी पॉपुलेशन भी काफ़ी डिक्लाइन कर गई थी। और ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल की जब हम बात करते हैं तो ये भी काफ़ी बड़े साइज की बर्ड होती है, लेकिन इसको हालांकि इसकी पॉपुलेशन में कमी तो आई है, मगर हम या तो इसको नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में या हम देखते हैं कि वल्नरेबल स्पीशीज की कैटेगरी में देखते हैं। एंडेंजर्ड इसको अभी तक नहीं माना गया है, तो हालांकि गिवन बर्ड्स में से सबसे बड़े साइज की यही होगी इंडियन हॉर्नबिल, लेकिन ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो पाएगा। उसी तरह से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और वल्चर के बीच में अगर हम बात करें, ये दोनों ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड टाइप की स्पीशीज हैं, लेकिन लार्जेस्ट हमें बताना है। तो अगर इनका साइज हम देखते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो मेल होता है करीब 1 मीटर तक उसकी हाइट हो सकती है, जबकि वल्चर हालांकि एक मीडियम साइज्ड बर्ड मानी जाती है, ज़्यादा बड़े साइज का इसको हम मानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो हमारी इंडियन वल्चर होती है 1 मीटर से ऊपर भी इसकी हाइट जा सकती है, ग्रेटर दैन 1 मीटर। इसीलिए इसको हम इनमें से सबसे बड़ी एंडेंजर्ड बर्ड कह देंगे। इसके एंडेंजर होने का मेन कारण क्या है कि इन बर्ड्स में पॉइजनिंग हो गई थी। जैसे हमें मालूम ही है कि ये एक स्कैवेंजर टाइप की बर्ड होती है। स्कैवेंजर मतलब कि जो भी एनिमल्स की डेड बॉडीज होती हैं या कैरकेसेस होती हैं उन पे ये फीड करती है, उनको क्लियर करती है। तो एक हमारे पास डिक्लोफिनेक नाम का एक ड्रग था, जो कि बेसिकली एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है और एक वेटनरी ड्रग है, मतलब कैटल को या एनिमल्स को दिया जाता है पेन को रिलीव करने के लिए जॉइंट्स में, ताकि उनके पेन ना हो। और क्योंकि ये इन्हीं कैटल वगैरह के कैरकेसेस को खाता है, तो जिन कैटल ने डिक्लोफिनेक ये ड्रग कंज्यूम किया था उनको खाने पर इस दवाई से वल्चर्स को पॉइजनिंग हो गई, और इसी पॉइजनिंग से इनकी किडनी फेल हो जाती है, रेनल फेलियर हो जाता है। और यही रीजन है कि इतनी बुरी तरह जो हमारा इंडियन वल्चर है जिप्स इंडिकस, उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आ गया, और गवर्नमेंट को कई सारे ब्रीडिंग प्रोग्राम्स इनके लिए चलाने पड़े हैं ताकि ये एक्सटिंक्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर सबसे बड़े साइज के एंडेंजर्ड बर्ड के लिए करेक्ट आंसर हम ऑप्शन ए ग्रेट इंडियन वल्चर या जिप्स इंडिकस मार्क कर देंगे, क्योंकि हालांकि हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी यहाँ पर एक एंडेंजर्ड बर्ड है, इसकी पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन साइज अगर हम देखें तो वल्चर का थोड़ा ज़्यादा होता है, स्लाइटली ज़्यादा होता है एवरेज बस्टर्ड के साइज से, और इसकी बॉडी भी ज़्यादा बल्की होती है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।